ये बहुत पुरानी करेंसी है, तकरीबन ईस्वी सन से 2000-3000 साल पहले की करेंसी है। मराठों के ज़माने की ये करेंसी है। कुछ दरख्तों से लिया जाता था, फिर उसको पाउडर के तौर पर उसको पीस कर उसको पाउडर बनाया जाए, फिर उसको पानी मिलाकर उसको रंग में तब्दील किया जाता था। इसके आज से तकरीबन 200-250 साल पहले की 500 की ये नोट है। दुनिया में सबसे पहला कैमरा जो बनाया गया था वो इस तरह का बनाया गया था। राजा महाराजाओं के जो शौक़ होते थे, उनके ऐशो इशरत के जो सामान है वो यहाँ पर आप रखे हुए हैं। ये हुक्का दानी है या पान दानी है, ये सब यहाँ पर चीज़ें रखी हुई है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन एक नई वीडियो के साथ आज हम बॉम्बे में जो गेट ऑफ इंडिया के पास में जो म्यूज़ियम है वो म्यूज़ियम आपको बताने वाले हैं। म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें हैं इंशाल्लाह पूरी चीज़ें आपको बताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे पूरा म्यूज़ियम। तो आप बराबर बने रहिए, इंशाल्लाह पूरी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। हम म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो चुके हैं। इस सामने आपको म्यूज़ियम की बिल्डिंग नज़र आएगी, ये भी बहुत पुरानी इमारत है। तो अभी हमें टिकट लेनी है, पहले पूछेंगे कैमरा अलाउ है तो कैमरे से हम पूरा वीडियो शूट करेंगे। ये सामने इमारत है ये म्यूज़ियम की, अगर अलाउ नहीं है फीस है कुछ कैमरे की तो हम कुछ फीस देकर हम कैमरा अंदर ले जाएंगे। इंशाल्लाह आपको पूरी चीज़ें कैमरे से शूट करके बताने की कोशिश करेंगे। तो ये सामने के हिस्से में टिकट बारी है, वहाँ से हम पहले टिकट ले लेते हैं। तकरीबन कुछ 150 रुपये के आसपास की टिकट है। अंदर एंटर हो चुकी है, ये म्यूज़ियम है पूरा, यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई है। आगे चलेंगे आपको पूरा इंशाल्लाह पूरी चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे, या तो मूर्तियाँ रखी हुई है इस तरफ के हिस्से में चलते हैं। ये सब अलग अलग तरह के खंजर रखे हुए हैं, सबकी डिज़ाइन अलग है, खंजर है ये सब। पहले ज़माने में जहाज़ इस तरह के हुआ करते थे। ये डाल है, जंग के अंदर इससे तलवारों के वार को रोका जाता था, इस तरह की डालें होती थी। अरबी में लिखा हुआ है शहनशाह अकबर, ये शहनशाह अकबर की डाल है। और ये उसे शहनशाह नादिर साहब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की है, इनके हथियार है, इनकी जो तलवार है, ये सब जो चीज़ें हैं ये इनकी है। और यहाँ पर तलवार के अलग अलग डिज़ाइन देख सकते हो, इस तरह की तलवार है, और एक सीधी ये सांप जैसी तलवार, ये अलग अलग डिज़ाइन की यहाँ पर तलवारें रखी हुई है। ये तलवार की जो म्यान होती थी, ये राजा महाराजाओं की कवर जो जहाँ इसमें तलवार रखी जाती है, ये खंजर का कवर है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। पहले ज़माने में कुल्हाड़ी कैसे बनाते थे, ये पत्थरों की बनी हुई है। आप कैसे इसका मतलब दस्ता बनाया है ये देख सकते हो। ये नेकलेस है यहाँ पर, पहनने की चीज़ें, नेकलेस शेल, फिर कान में पहनने की ये चीज़ें उस ज़माने में, अब ये सब पत्थर की चीज़ें बनी हुई है। ये नेकलेस भी पत्थर का है। तो ये पहनने की चीज़ें है, ये फिंगर रिंग है, ये कॉपर की बनी हुई है। और ये स्टोन के ये कड़े है हाथ में पहनने के, कड़े ये हाथ के ये अंदर कॉपर। तो ये वेट्स है, ये उस ज़माने में जो वजन किया जाता था, ये इसके यहाँ पर लिखे हुए पत्थर के, ये सब पहले ज़माने के इस तरह के घड़े हुआ करते थे। ये अलग अलग पहाड़ों के पत्थर है, ये पाकिस्तानी सिंध के पहाड़ के पत्थर है। हम लोग ऊपर के हिस्से में आ चुके हैं। ये इसके अंदर वो लोग प्रूफ रखा करते थे बक्से, उनके पास जो भी प्रूफ होते थे, कोई बादशाह के पास से कोई खत आता था तो उसके अंदर रखा करते थे वो लोग। इसमें नक्काशी की गई है, इसकी आप नक्काशी देख सकते हो, बहुत बारीकी से इसको डिज़ाइन किया गया है, बहुत खूबसूरत है, लाजवाब।
अमेजिंग डिज़ाइन है इसकी। ये 19वीं सदी में इसको चीनी मिट्टी और कांच से इन बोतलों को बनाया गया है 19वीं सदी में। बहुत अमेजिंग ये बोतलें है। ये सोने चांदी की चम्मच है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है, चांदी का पानी चढ़ाया हुआ है। तो ये चम्मच है 19वीं सदी की, सोने चांदी की चम्मच है। ये लाजवाब पत्थरों की कला देख सकते हो, पत्थरों को खुरच कर इस डिज़ाइन को बनाया गया है। बहुत अमेजिंग डिज़ाइन है यह। ये बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं, चित्र बना रहे हैं और यह उस्ताद सिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत बेहतरीन कला से इसको बनाया गया है, आप देख सकते, बहुत अमेजिंग है। ड्राइंग करने के लिए जो चीज़ें यूज़ हुआ करती थी उसके ये सामान है। लकड़े की पेन आप देख सकते हो, ये अरबी में कुछ तख्तियाँ लगी हुई है और ये जहांगीर ने अपने बेटे को ये तख्तियाँ हदीये में पेश की थी। या बारी या अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं इसमें। राजा महाराजाओं के जो शौक होते थे, उनके ऐशो इशरत के जो सामान है वो यहाँ पर आप रखे हुए हैं। ये हुक्का दानी है या पान दानी है, ये सब यहाँ पर चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पर कुछ दीवान हाफिज़ है, ये हैदराबाद में एक दीवान हाफिज़ करके ये फ़ारसी में एक अशार लिखे हुए हैं, कुछ हदीसें हैं। ये बस इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, आप चमकता हुआ देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। ये भी कुछ अरबी में फ़ारसी के अंदर कुछ अशार की किताबें हैं। ये मराकश में एक कुरान लिखा गया है, यहाँ पर उसका पूरी लिखी हुई है, सुनहरी जिल्द बंदी। ये सोने के अल्फा यानी हरूफ से इसको लिखा गया है, बंद पड़ी हुई है, खुला हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हिस्ट्री में लिखा हुआ वो इस तरह लिखा हुआ है। पहले ज़माने में जो रंग बनाए जाते थे इस तरह के होते थे, कुछ दरख्तों से लिया जाता था, फिर उसको पाउडर के तौर पर उसको पीस कर उसको पाउडर बनाया जाए, फिर उसको पानी मिलाकर उसको रंग में तब्दील किया जाता था। तो इस तरह यहाँ पर ये गोल्डन लेफ में सोने का पन्ना यहाँ आपको नज़र आएगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएगी। तो यहाँ पर बादशाहों के ज़माने के चांदी के सोने के बर्तन भी रखे हुए, आप देख सकते हो, बहुत अमेजिंग है। दुनिया में सबसे पहला कैमरा जो बनाया गया था वो इस तरह का बनाया गया था। ये बहुत पुरानी करेंसी है, तकरीबन ईस्वी सन से 2000-3000 साल पहले की करेंसी है, बहुत पुरानी करेंसी है। ये तीन सिक्के नज़र आ रहे हैं, ये मोहम्मद बिन तगलक यानी 1324 ईस्वी में इनकी जब हुकूमत की यहाँ पर दिल्ली में, तो इनके ज़माने में ये करेंसी चलती थी। ऊपर फर्श में जो सोने की है, तो दूसरे धातु की ये बनी हुई है, ऊपर फर्श में सोने की लगती है। तो इस तरह की करेंसी हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की, ये सब करेंसी है। ये ईस्वी सन से पहले तकरीबन 300-400 साल पहले की करेंसी है, ये सब सोने की करेंसी है। ये मुग़लों के ज़माने की करेंसी है, यहाँ पर लिखा हुआ है मुग़ल नाणी, मुग़ल कॉइंस, द मुग़ल कॉइंस, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये मुग़लों के जितने जहाँ तक हुकूमत रही है तब तक ये इस तरह की अलग अलग करेंसी है। किसी की बाबर के ज़माने की अलग होगी, अकबर के ज़माने की अलग होगी। तो ये मुग़लों के ज़माने की करेंसी है। ये मराठों के ज़माने की ये करेंसी है कि कॉइन ऑफ मराठा पीरियड 7 से 19th century यानी 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक ये इस तरह की, ये मराठों में इस तरह की करेंसी चलती थी, ये मराठों की करेंसी है। और अंग्रेज़ों ने जो हमारे देश पर राज किया तो उनके ज़माने में जो करेंसी चलती थी तो ये इस तरह की करेंसी हुआ करती है, ये इंडो ब्रिटिश कॉइन्स 19th century से 20th century तक। सबसे पहले जो नोट में जब करेंसी तब्दील हुई तो इस तरह की नोटें हुआ करती थी करेंसी। ये करेंसी 1840 से 1861 तक ये करेंसी जो नोट में तब्दील हुई इसकी है, 15 रुपीस की ये नोट है। ये 1809 से 1861 तक ये 500 रुपये ये नोट इस तरह की होती थी 1800 ईस्वी में, ये ब्रिटिश का ज़माना था। ये बैंक ऑफ मद्रास की ये करेंसी है, 100 रुपीस, ये 1843 से 1861 तक ये चलती थी।
क्योंकि उस ज़माने में जो बैंकें होती थी वो जहाँ की बैंक हो उसी की करेंसी वहाँ पर जारी होती थी। जब देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश में एक ही करेंसी चलने लगी, वरना हर एक स्टेट के अलग अलग बैंक के ऊपर ये करेंसी हुआ करती थी। ये बैंक ऑफ वेस्टर्न इंडिया, ये 5,000 रुपये की ये नोट है और ये कौन सी ईस्वी की है, 1845 ईस्वी, यानी आज से तकरीबन 200 साल पहले की 500 की ये नोट है। और आपको ये नोट, ये 100 रुपये की नोट है, ये भी 1910 से ये जारी हुई, ये 1951 में 10 रुपये की नोट इस तरह हुआ करती थी। यहाँ लिखा हुआ है बैंक ऑफ बॉम्बे 25 रुपीज़, यानी 25 रुपये की नोट है। तो उस ज़माने में 25 रुपये की भी 30 इस तरह की नोटें हुआ करती थी। ये पूरी करेंसी यहाँ पर रखी हुई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब वीडियो का एंड कर लेते हैं। हमने आपको पूरा म्यूज़ियम बताने की कोशिश की, अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, कैमरे का चार्ज कुछ अलग से था, तकरीबन 300-200 रुपये के आसपास इसका चार्ज था। तो हमने, और मोबाइल से फ़ोटोग्राफी फ्री था तो हमने सोचा कि मोबाइल से ही कर लेते हैं। तो हमने पूरा म्यूज़ियम आपको जो कवर किया हमने, ये मोबाइल से किया है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।